नमस्कार। प्रस्तुत है मैथ्स फॉर ओलंपियाड सीरीज की 15वीं वीडियो। और इस वीडियो में जो हमने प्रश्न लिया है वो ये है, इफ पी टू क्यू इक्वल टू 4 to 5, क्यू टू आर इक्वल टू 6 to 7 एंड आर टू एस इक्वल टू 3 to 4, देन ऑन डिवाइडिंग रुपीज 7733 अमॉन्ग पी क्यू आर एंड एस द अमाउंट ऑफ क्यू विल बी। यदि P अनुपात Q बराबर 4:5, Q अनुपात R बराबर 6:7 और R अनुपात S बराबर 3:4, तो P, Q, R और S के बीच 7733 रुपया बांटा जाता है, तो Q का अमाउंट कितना होगा? आइए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये जो रेशियो दिया हुआ है पहला वाला, ये इसे हम इस तरह से लिखने की कोशिश करते हैं, P ओवर Q इक्वल टू 4/5, दैट इंप्लाइज P इक्वल टू 4/5 और यहां पर ये हो जाएगा Q। चलिए अब दूसरा वाला लेते हैं, Q ओवर R इक्वल टू 6/7। दैट इंप्लाइज R इक्वल टू 7/6 Q। हम यहां पर क्या कर रहे हैं आप ध्यान दे रहे होंगे, हम इन सभी को ये जो रेशियो दिए हुए हैं Q के टर्म में लाना चाह रहे हैं। अब तीसरा है हमारा R ओवर S इक्वल टू 3/4, दैट इंप्लाइज S इक्वल टू 4/3 R, दैट इंप्लाइज, देखिए अब यहां पर R है ना, R की जगह हम यहां जो R का वैल्यू है वो पुट अप करेंगे, तो ये होगा S इक्वल टू 4/3 इंटू 7³/6। तो ये देखिए कैंसिल हो जाएगा 2 से और ये 2 से ही कैंसिल होगा, तो ये हो गया 14³/9। अब हम जो अमाउंट दिया गया है वो पी क्यू आर और एस के बीच बांटा दिया है, हेंस P प्लस Q प्लस R प्लस S इक्वल टू 7733, ठीक है। और अब P का जो यहां पर वैल्यू हमने Q के टर्म में निकाला है वो लिखेंगे 4³/5 प्लस Q, ये तो क्यू ही है, प्लस अब आर का वैल्यू यहां पर है 7³/6 प्लस अब एस का जो वैल्यू है यहां पर इसे लिखेंगे 14³/9 इक्वल टू 7733। अब देखिए ये एडिशन ऑफ फ्रैक्शन है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 5, 6 और सॉरी ये 9 था, सॉरी ये 9, ओह फिर से गलती हो गई,
तो यहां 5, 6 और 9 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो ये हमारा एलसीएम आ जाता है 90। आप खुद से निकाल के देख लें 90। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 72 Q प्लस Q प्लस, ये 90 Q होगा, सॉरी ये हो जाएगा 90 Q प्लस 105 Q प्लस 140 Q इसका टू 7733। अब यहां ऊपर सारा को हम जब ऐड करते हैं तो हमारा क्या आता है, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 407 Q over 90 इसका टू 7733 और Q इसकल टू 7733 इंटू 90 over 407। और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पहले से कर लिया है, आप करके देख लें, 6 9 5 9 7 0 over 407। अब इसे डिवाइड करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो है 1710। अर्थात Q को कितना मिलेगा, 1710। तो ये ए ऑप्शन हमारा सही है, क्यू को ये अमाउंट मिलेगा 1710।